हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोम क्लासेस। दोस्तों मैं पीयूष आर्य, आप सभी का हिंदी मीडियम के इस नंबर वन चैनल सोम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे क्लास 12 के होनहार छात्रों, जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए, आपने इतनी बेहतरीन तैयारी की है अब तक, और वही बेहतरीन तैयारी आपकी लगातार जारी है पूरे बोर्ड एग्जाम तक, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में एवरेज मार्क्स नहीं, आपको लाने हैं ऐसे मार्क्स जो आपको कहीं ना कहीं एक टॉपर लिस्ट में लाएगा। तो आज हम बात करेंगे वेगुलरी पार्ट से आने वाले 10 मार्क्स जो एमसीक्यू आएंगे आपके। तो कर दीजिए अपने पूरे ग्रुपों में शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। बेहद वो आसान क्वेश्चन बन के रहेगा जब आप पढ़ लोगे आज की एक क्लास। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास में वेगुलरी के पहले पार्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में, यानी दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द बताना। पहले क्या होता था, आपका यही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता था और सेंटेंस देता था और आपको डायरेक्ट आंसर देने होते थे। लेकिन अब आपके लिए ही लाभ के लिए ऐसा कर दिया गया है कि आपका ये क्या है, आप क्वेश्चन देख रहे हो, अब आपका ऑप्शन होगा, चाहे वो वेगुलरी का कोई पार्ट हो, एंटोनिम्स हो, सिनोनिम्स हो, वन वर्ड हो, होमोफोन्स हो, आइडम्स एंड फ्रेज हो, सारे पार्ट में आपके ऑप्शन होंगे। ठीक है, इसमें क्या आपको कि अगर आपको डायरेक्ट आंसर नहीं आता है तो इतना यूज कर सकते हैं, ये नहीं हो सकता, इसका तो अर्थ ये होता है, ये तो इससे आपका थोड़ा हेल्प हो जाता है। और लगभग जो नंबर कट रहे थे और रेगुलरी के नंबर कट जाते थे बच्चों के, अब वो कम से कम 70%, ठीक है, वो क्या है, आशावादी हो सकते हैं कि नहीं अब तो हम सही कर लेंगे। और अगर ये आप लगातार पढ़ लिए तो 70% क्या आप रेगुलरी से नंबर ही कटने नहीं दोगे, ये मेरा मानना है, लेकिन मेहनत उतना करना होगा आपको। तो ये आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा। लिखा है कि अ पर्सन एक ऐसा व्यक्ति, लिखा है कि अ पर्सन एक ऐसा व्यक्ति हु इज इंडिफरेंट, जो अलग है बोथ प्लेजर, दोनों में खुशी और दर्द में, एक ऐसा व्यक्ति जो खुशी और दर्द दोनों में क्या होता, अपने अलग होता है, उसे क्या कहते हैं, क्या वो हर्मिट होता है, क्या या सेंट होता है, या स्टोइक होता है, या एस्टिक होता है। तो इन चारों में, तो वह व्यक्ति जो खुशी और गम दोनों में क्या होता है, इंडिफरेंट, अलग नहीं होता है, कहने करते हैं समान भाव रखता है, उसे कहते हैं बच्चों, उसके लिए दुख और दर्द हो चाहे खुशी हो, सारे में वो अपने आप को एक जैसा बनाए रखता है। तो यहां पर आपका क्या होगा, स्टोइक होगा। ठीक है, दूसरा आपके सामने है कि एन एसोसिएट एक ऐसा साथी, साथ काम करने वाला, इन एन ऑफिस, ऑफिस में साथ काम करने वाला, और या इंस्टीट्यूशन, किसी भी संस्था में या ऑफिस में साथ काम करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, उसे हम एली बुलाते हैं, या अकम्प्लाइज कहते हैं, या कंपेनियन कहते हैं, या कलीज कहते हैं। तो कंपेनियन का मतलब आप सबको पता है क्या होता है, साथी होता है, और इन दोनों में थोड़ा सा साथी होना और साथ काम करना इसमें डिफरेंट है। तो वो क्या होता है, कलीज, ये शब्द आपने सुना होगा, उन्हें हम कलीज बुलाते हैं। कलीज का अर्थ होता है बच्चों साथ काम करने वाला व्यक्ति, यानी जिसे हम सहकर्मी कहते हैं। जैसे आपके साथ पढ़ने वाले को आप लोग के क्लासमेट कहते हो, नॉट अ फ्रेंड, तो फ्रेंड और क्लासमेट में भी बहुत डिफरेंट है, इसके लिए तो एक डिबेट भी किया जा सकता है। तो अब है आपका तीसरा क्वेश्चन आपके सामने, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, आपका डी सही है और इसका आपका बी सही है। अब अगर हम देखते हैं तीसरे क्वेश्चन में, तो तीसरे क्वेश्चन को हम अगर एक बार समझते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है कि अ पर्सन एक ऐसा व्यक्ति, हु जो इज लवर, जो प्रेमी है, आप मानो, आप मानो काइंड कह रहे हैं, मैनकाइंड,
ठीक है, एंड और ह्यूमिनिटी या मानवता का इन जनरल सामान्य रूप से वह व्यक्ति जो क्या है मनुष्य प्रेमी है उसे हम क्या कहते हैं, वह व्यक्ति जो सामान्य रूप से मनुष्य प्रेमी है यानी मनुष्यों के प्रति प्रेम भाव रखने वाला है उसको क्या बुलाते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं या ऑप्टोमेट्रिस्ट कहते हैं या फिलान्थ्रोपिस्ट कहते हैं या सेस्मोलॉजिस्ट कहते हैं, सेस्मोलॉजिस्ट कहते हैं। तो सबको ये शब्द पता होगा कि मनुष्य प्रेमी को हम मानवतावादी कहते हैं, और ये लाइन आपको पढ़ाते समय मैंने पहले भी बताया है, उन्हें हम क्या बुलाते हैं, हम उन्हें मनुष्य प्रेमी यानी ठीक है मानवतावादी फिलान्थ्रोपिस्ट बुलाते हैं, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके बच्चों, अब अगर हम देखें चौथा क्वेश्चन इसका क्या कह रहा है, अब आपके सामने चौथी क्वेश्चन को हम रखते हैं, देखिएगा चौथा क्वेश्चन है आपका कि अ पर्सन एक व्यक्ति हु लुक्स जो देखता है एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो सभी चीजों में क्या करता है अपने आप को बहुत चमकदार सोचता है उसे क्या कहते हैं, बताइए ठीक है उसे क्या बुलाते हैं, जो बार बार अपने सोचता है कि जो चीज है उसमें कुछ ना कुछ अच्छा होगा मेरा, यानी अपने बार बार वो कुछ ना कुछ आशा रखता है, तो उसे हम क्या साइनिक बुला सकते हैं, ऑप्टिमिस्ट, या तो जो आशा रखता है उस व्यक्ति को हम ऑप्टिमिस्ट कहते हैं, क्या बुलाते हैं हम उसे ऑप्टिमिस्ट कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब है आपका यानी कि ए ऑप्शन सही हो रहा है यहां पर। पांचवा क्वेश्चन जो आपके सामने है कि अ पर्सन एक ऐसा व्यक्ति हु लेंड्स जो उधार को देता है मन ठीक है जो उधार पैसे देता है एट अ हाई रेट एक उच्च ब्याज पर, ठीक है रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो पैसा उधार देता है उच्च ब्याज दर पे, जो बहुत ऊंचे ब्याज दर पे पैसे उधार देता है, ऐसे व्यक्ति को क्या बुलाते हैं, यूक्सोरियस बुलाते हैं या उसे साइलॉक कहते हैं या साइलेंट मतलब होता है दिवालिया, साइलॉक साइलॉक कौन था ये भी क्या था हमारे विलियम शेक्सपियर के प्ले जो है जूलियस सीजर का एक किरदार था, एक विलन था कह लें, यह क्या करता था लोगों को उधार देता था, उधार देने पे न चुकाने पे कुछ पाउंड मांस उसके शरीर से कटवा लेता था, ये इतना निर्दयी सूदखोर था। ठीक है तो इसे सूदखोर हमने नाम लिया, यानी सूदखोर की बात हो रही है तो उसे यूजरर कहते हैं, यूजरर का मतलब होता है सूदखोर, तो जो ऊंचे दाम लेता है पैसे देकर हाई ब्याज वसूलता है वो सूदखोर कहलाता है, क्या कहलाता है सूदखोर। सॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया, सॉल्वेंट मतलब क्या होता है दिवालिया होता है लूटर, जिसका जो उसके पैसे क्या होते हैं पूरी तरह वो कर्ज में डूब गया हो, तो यहां इसका ऑप्शन जो है सी सही है। अब यहां कह रहा है एन इनक्लोजर फॉर ब्रीडिंग प्रजनन के लिए नर्सिंग सेवा के लिए और कीपिंग फॉर बर्ड्स और पक्षियों को रखने के लिए जो जगह होती है उसे क्या बुलाते हैं, एप्रेरी बुलाते हैं, जू बुलाते हैं या एवेरी बुलाते हैं या आर्मनरी बुलाते हैं, इसका जवाब आपको देना होगा उसे क्या बुलाते हैं। ठीक है बताइए फटाफट जवाब दीजिए, जवाब आपके आने से बच्चा जितना तेज जवाब दोगे ठीक है तो यहां पर बिल्कुल सही होगा, आप ये जान सकते हैं। ठीक है आपका प्रश्न गृह अवेरी होती है, अवेरी। आते हैं नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 7 पर जाने से पहले जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं उनको एक बात कहना चाहेंगे, अभी आप सोच रहे हो कि टारगेट है लंबा, तो टारगेट लंबा कुछ नहीं, तैयारी आपकी वन शॉट वीडियो के द्वारा जो आप जीरो पे हो कि अभी कुछ पढ़ा ही नहीं, अरे यार कब हम पढ़ेंगे कब तैयारी करेंगे, ऐसा भाव है आपके अंदर और नहीं पढ़े हो, तो अब भी मौका दे रहा है आपको शुभम क्लासेज,
तो आपको शुभम क्लासेज क्या मौका दे रहा है, कह रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप बिल्कुल मौका है और जीरो से हीरो बन के दिखा सकते हो आप, तो मात्र 799 रुपए पे करने हैं। 799 रुपए पे करके आप जुड़ सकते हो क्रैश कोर्स 2023 के साथ, जहां आपको वन शॉट वीडियो, 3 साल का पेपर हल सहित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और रिवीजन क्लास मिलेगी। आपकी पूरी तरह से कोर्स कंप्लीट होगा, ठीक है, पूरी तरह से कोर्स कंप्लीट होगा और साथ साथ आपका रिवीजन भी मिलेगा। और ये पैसा आपके बोर्ड एग्जाम तक के अंतिम पेपर तक की फीस है। इस पैसे में आप हर दिन अब से लेकर बोर्ड एग्जाम तक लगातार हर दिन लेसन वन से पढ़ाई, आपकी प्रैक्टिस सेट, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हर एक सब्जेक्ट के और नोट्स, मॉडल पेपर और पिछले साल के पेपर जो हुए हैं उनके सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे। सारी चीजें इसमें ही इंक्लूड होंगी, इससे ज्यादा कभी भी पेमेंट आपको नहीं देना है। और ऐसे ही कारनामा आप भी करके दिखाओगे, आपकी भी मेरिट लिस्ट जारी होगी, ऐसे ही चमकदार नंबर आपके होंगे। तो करना है क्या है आपको, सबसे पहले आप अपना फोन उठाइए और गूगल प्ले स्टोर में जाइए, सर्च करिए शुभम क्लासेज एप्लीकेशन, सर्च करके, ठीक है, ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और उसे ओपन करके, ऐप को ओपन करके आप क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं शुभम क्लासेज के साथ। कब? जब आप पे करते हैं 799 रुपए, और ऐप से पेमेंट करते ही आप सारे बैच से जुड़ जाओगे। और यदि अप्लाई कूपन में लिखते हैं PIYUSH SIR PU SIR या PIYUSH स्पेस देके SIR, तो आपको 100 रुपए इसमें माइनस हो जाएंगे, यानी आपका पेमेंट जो ऐप से 699 रुपए ही कटेगा। और यदि ऐप से पेमेंट कर रहे हैं तो, और यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो भी आपके पास ऑप्शन है कि इस दिए गए नंबर पे पेमेंट करके इसका स्क्रीनशॉट इसी पे व्हाट्सएप कर दे, तो भी सारे बैच से जुड़ेंगे, साथ में लाइव क्लास, हैंड राइटिंग नोट, स्मार्ट क्लास नोट, प्रैक्टिस सेट, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और लास्ट 3 ईयर के पेपर आपको मिल जाएंगे। तो अब आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट आपको क्या कह रहा है समझिएगा। एनिमल्स वे जानवर विच लिव, जो रहते हैं ऑन लैंड, धरती पर, एंड इन वाटर, और पानी में, वह जानवर जो धरती और पानी दोनों में रह, उसे क्या कहते हैं, सबको पता, उसे हम उभयचर कहते हैं। एक जलचर होता है, एक स्थलचर होता है, एक उभयचर होता है, तो उसे हम क्या बुलाते हैं, उसे हम एम्बिजियस बुलाते हैं, एम्बिवैलेंट बुलाते हैं, एमोरोफस बुलाते हैं, एम्फीबियंस बुलाते हैं। तो ये अर्थ, इसका मतलब होता है उभयचर, ठीक है, क्या होता है, उभयचर। तो हमारा इसका कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी। अब आगे आते हैं, और रूलर एक ऐसा शासक हु हैज एब्सोल्यूट, जिसके पास स्वतंत्र अथॉरिटी पावर होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे डिमोगेस बुलाते हैं, मार्टिनेट बुलाते हैं, डिक्टेटर बुलाते हैं, स्टेट्समैन बुलाते हैं, ये सबको पता है कि क्या बुलाते हैं, ठीक है। आई होप मैंने आपको एक बार शायद बताया हुआ है कि उसे जो व्यक्ति एक जहां पे ऐसा व्यक्ति जिसके अनुसार पूरा देश चलता, वो जो कहता है लोग वही करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, तानाशाह कहते हैं। और जो व्यक्ति एक काम करता है उसे ताना, ठीक है, वो शासन को हम तानाशाही व्यक्ति, तानाशाह, तो डिक्टेटर बुलाते हैं। ये बहुत डिक्टेटर, अगर आपने नाम सुना हो तो आपको याद आ जाएगा साउथ की मूवी, बालाकृष्णन की, नंदमुरी बालाकृष्णन की मूवी डिक्टेटर, अपने आप में एक यूनिक मूवी। तो ये बहुत, तो डिक्टेटर का मतलब ये होता है तानाशाह, क्या होता है, तानाशाह होता है। अब अगला क्वेश्चन है कि अ पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति, हु टोटली, जो पूरी तरह से एब्स्टेंस फ्रॉम एल्कोहल,
ठीक है, ऐसे व्यक्ति को क्या बुलाते हैं जो पूरी तरह से क्या होता है, एल्कोहल। ठीक है, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट आप अगर अच्छा लग रहा है तो जरूर करिएगा, हम इसको देखेंगे जरूर बच्चे। ठीक है, बिल्कुल बताइए क्या बुलाते हैं उसको, क्या वो प्यूरिटन बुलाता है या पेडेंट बुलाया जाता है या टीटोटॉलर बुलाया जाता है या समेरिटन बुलाया जाता है, तो कौन सा ऑप्शन है जी आपका, टीटोटॉलर बुलाया जाता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। ओके, नोट करते रहिएगा, आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत कम ही देखने को मिलते हैं आपको, और आज अगर आप देख रहे हो तो आपको आज ही तैयार हो जाएगा। जो बच्चा वास्तव में क्लास को मन से देख रहा है, पढ़ रहा है, उसके लिए कहीं कोई चीज कठिन हो ही नहीं सकती है, क्योंकि जो चीजें आपको मिल जा रहा है क्लास में, शुभम क्लासेस प्रोवाइड कर दे रहा है, ये चीज आपको खोजना और कहीं से मिलना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं कहेंगे, बहुत ज्यादा परेशान होंगे, तो कहीं परेशान ना होना पड़े तो जो क्लास चल रहा है उसी क्लास को हम मन से बस देख लें, हमारा काम हो जाएगा और हम एक अच्छे स्टूडेंट के रूप में अपनी मेरिट लिस्ट में क्या होंगे, शामिल होने की कोशिश करेंगे। अब और जारी होगी तो हमें तो उम्मीद है जो बच्चा मेहनत कर रहा है वो बिल्कुल टॉपर लिस्ट होगी वो अपने अपने स्कूल की। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि अ पर्सन एक ऐसा व्यक्ति हु इज फिल्ड विथ एक्सेसिव एंड मिस्टेकन इंथोसिएशन इन रिलीजियस मैटर, उसे क्या बुलाया जाता है, उसे पेट्रियॉट कहा जाता है, फैनाटिक बुलाया जाता है, पेडोंट कहा जाता है, मार्शियर कहा जाता है, तो क्या बुलाया जाता है वो, उसे हम फैनाटिक बुलाते हैं। ओके, अब आगे आते हैं कि अ पर्सन एक ऐसा व्यक्ति विथ लॉन्ग एक्सपीरियंस, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास एक लंबा अनुभव होता है, उसे हम या तो वयोवृद्ध कह सकते हैं या तो अनुभवी कह सकते हैं, तो उसका क्या स्टारवर्ट होता है, क्या इटिनरेंट होता है, या पेडेंट होता है, या वेटरन होता है, तो ये नाम आपका जग जाहिर है कि ऐसे व्यक्ति को हम वेटरन बुलाते हैं जिसको हम अनुभवी कह सकते हैं या, ठीक है, या क्या कह सकते हैं, वयोवृद्ध कह सकते हैं। अब है आप दुकानों पे अक्सर जाया करते हैं, आया करते हैं, तो आपको एक चीज मालूम होगी कि वहां पर आपको कुछ चीजें दुकानदार पहले साड़ी की दुकान पे हो दिखा देता है कि भैया देख लो ये चीज आपके है, इसमें से कौन सा निकाल दें, किस टाइप का। तो अ बुक आर राइटिंग, एक किताब या लिखी हुई कोई भी चीज, ऑफ अननोन आर अनडिक्लेयर्ड सोर्स फॉर ऑथरशिप, अभी देखिए उसकी बात पहले इसको, एक ऐसी किताब या कोई लिखी हुई चीज या कोई अपरिचित चीज या कोई अघोषित सोर्स ऑथरशिप, उसे अनोमियस बुलाते हैं, वेक्सेशन बुलाते हैं, ग्लिबल बुलाते हैं, एनोमियस बुलाते हैं। तो आई होप आपको ये चीज पूरी तरह पता हो गई है कि उसे क्या बुलाते हैं, बिल्कुल आप सही कर रहे होंगे, उसे हम एनोमियस ही बुलाते हैं। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन, मर्डर ऑफ वन सेल्फ, ये तो कोई भी बता सकता है भाई, मर्डर ऑफ वन सेल्फ, खुद की हत्या करने को इमोलेशन कहते हैं, सुसाइड कहते हैं, स्लॉटर कहते हैं, या होमिसाइड कहते हैं। होमिसाइड मतलब किसी भी अपने को छोड़ के किसी दूसरे की हत्या करना होमिसाइड होता है, नर हत्या कहलाता है। तो ये आपका हत्या में हमेशा साइड ही रहता है, CIDE, तो हम उसे सुसाइड यानी हम क्या कहते हैं, आत्महत्या कहते हैं, खुद की हत्या करना यानी कि आत्महत्या, जो कभी करना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर कायर हैं तो आप ऐसा काम करते हैं, ठीक है, आप आए हो तो दुनिया को भाड़ में जाए, अपने खुद जी के जाओ, खुद को मारने की कोई जरूरत नहीं, चाहे हमारा कितना भी कोई माइंड वॉश कर दे, कितनी भी तकलीफ आ जाए, कोई भी पहाड़ टूट जाए, हिम्मत रखो जीने की, हौसला रखो, जरूर कामयाबी मिलेगी, लेकिन हौसला हार जाओगे तो ये भी मत करना, एक बहुत बहुत बुरा बात है। वन एक ऐसा व्यक्ति हुनो जो जानता है एवरीथिंग, सभी चीजों को, उसे ओमनी साइंट कहते हैं, ओमनी प्रेजेंट कहते हैं, सर्वव्यापी, ओमनी पोसेंट कहते हैं,
सर्वशक्तिमान कहते हैं, लर्न्ड ज्ञाता कहते हैं, ठीक है। तो ओमनी साइंट उसे बुलाते हैं, ठीक है, उसे क्या बुलाते हैं, ओमनी साइंट कहते हैं, जो सब कुछ जानता है, ठीक है, सर्वज्ञानी, ओके, उसे क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं सर्वज्ञानी है, वो सब कुछ जानता है, ठीक है। और लिस्ट ऑफ बुक्स, किताबों का जो संग्रह होता है उसे हम एजेंडा बुलाते हैं, मेनू कहते हैं, कैटलॉग कहते हैं। तो किताबों का संग्रह और किताबें जहां पर रखी जाती हैं संग्रहित करके उसे लाइब्रेरी कहते हैं, और जो किताबों का जो लिस्ट होती है सूचीबद्ध उसे हम कैटलॉग बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं, कैटलॉग बुलाते हैं, उसे कैटलॉग कहते हैं, ओके, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन, अ पर्सन एक ऐसा व्यक्ति हु एक्सपोर्ट्स, जो आयात करता है, ठीक है, जो निर्यात करता है, एक ऐसा व्यक्ति जो निर्यात करता है, इंपोर्ट आयात करता है गुड सामानों का, विदाउट पेइंग, बिना चुकाए कस्टम ड्यूटी, बिना सीमा शुल्क को चुकाए और अदर टैक्स या किसी भी टैक्स को बिना चुकाए वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करता है, उसे क्या बुलाते हैं, ऐसे व्यक्ति को इंपोस्टर कहते हैं या एक्सपोर्टर कहते हैं या इंपोर्टर कहते हैं, उसे निर्यातक आयातक कहते हैं, ठीक है, या स्मगलर कहते हैं, इसे व्यक्ति को स्मगलर जो चोरी से करते हैं, जिसे हम दो नंबर का काम करने वाले व्यक्ति कहते हैं, हिंदी में इसको हम तस्कर बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं कि तस्कर है, तस्करी कर रहे हैं, तस्करी का मतलब क्या होता है, गलत तरीके से किसी सामान का एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने जाने वाली प्रक्रिया, ठीक है, तो वह स्मगलिंग कहलाते हैं, उस व्यक्ति को स्मगलर बुलाते हैं, ठीक है। तो यहां ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो रहा है। अब हम देखें कि अ लवर ऑफ बुक्स, अ लवर ऑफ बुक्स, किताबों, किताब प्रेमी को हम क्या बुलाते हैं, बिब्लियोग्राफर बुलाते हैं, बिब्लियोफोब बुलाते हैं, तो फोबिया तो होगी ही, बिब्ली ऑफिजिस्ट बुलाते हैं या बिब्ली ऑफिल बुलाते हैं, तो इसको हम क्या बुलाते हैं, इसका जवाब आप हमें फटाफट दे दीजिए, ठीक है, जवाब आप दीजिए भाई, फटाफट जवाब दीजिए, क्या होना चाहिए आपका, बिल्कुल सही जवाब है, उसे हम पुस्तक प्रेमी, ठीक है, बिब्लियो फाइल कहते हैं। अ पर्सन एक ऐसा व्यक्ति हु कम्स, जो आता है, टू वन कंट्री, एक देश में, फ्रॉम अनदर, दूसरे देश से, टू सेटल देयर, वहां रहने के लिए, उसे इमिग्रेंट कहते हैं या पैट्रियट, देशभक्त कहते हैं या एक्स्ट्रावेगेंट कहते हैं, इमिग्रेंट कहते हैं, दो इमिग्रेंट करके बच्चा, इसमें कौन सा आपका सही होगा, तो उसे हम अप्रवासी कहते हैं, इमिग्रेंट, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होता हुआ, ठीक है, अप्रवासी होता है, ठीक है बच्चे। अब अगला, इयरली रिटर्न ऑफ द डेटा, किसी भी घटना के, ठीक है, पूरा होने का जो वार्षिक तारीख होती है, कोई भी कार्य हो उसकी जो वार्षिक दिन होता है उसे हम क्या बुलाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सालगिरह कहते हैं। चाहे मैंने कहा था, आप अगर कहीं पर भी बच्चे अगर किसी से कहते हो कि हैप्पी एनिवर्सरी, तो हैप्पी एनिवर्सरी जो है 2 साल के बच्चे को भी कहा जा सकता है, लेकिन अगर आप कहीं पर बोल दोगे, जिन लोगों के पास कोई नॉलेज नहीं है, तो वो क्या से छोटे लड़के को एनिवर्सरी विश कर रहा है, एनिवर्सरी आप लोगों को भी हम विश कर सकते हैं, इसका जरूरत है कि आपकी वो वेडिंग एनिवर्सरी थोड़े है, एनिवर्सरी है आपके बर्थडे पर हम आपकी एनिवर्सरी विश कर सकते हैं, कि आपका एक किस चीज का बर्थ एनिवर्सरी है आपकी, तो बर्थ एनिवर्सरी होती है, वेडिंग एनिवर्सरी जिसको मैरिज एनिवर्सरी भी आप कहते हो, डेथ एनिवर्सरी जो जिसको हम आप लोग बरसी कहते हैं, कि दादाजी की बरसी है, दादी की बरसी है, वो डेथ एनिवर्सरी होती है, कि फला दिन को ये मरे थे, इनका साल पूरा हुआ है, ठीक है।
तो ऐसे डेट को हम एनिवर्सरी कहते हैं। तो आप किसी को विश करते हो तो जरूर थोड़े कि हैप्पी बर्थडे ही बोलो, आप उन्हें हैप्पी बर्थ एनिवर्सरी भी कह सकते हो, ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान रख लेना। तो कुछ चलो अब हमें लग रहा है कुछ लोग तय कर ले कि अब हम लोग हैप्पी बर्थ एनिवर्सरी ही बोलेंगे, ठीक है ना। तो अ पर्सन एक ऐसा व्यक्ति हु इज वुमेनली इन हिज हैबिट, जो आदतों से पूरी तरह स्त्रीत्व है, जिसकी आदत ही पूरी लड़कियों वाली है, औरतों वाली है, ऐसे व्यक्ति को क्या बुलाते हैं, ठीक है। ऐसे व्यक्ति को हम बुलाते हैं इफिमिनेट स्त्रीत्व, स्त्रीवती बुलाते हैं, स्त्रीवती बुलाते हैं, ठीक है, ऐसे को। अब तो ये ऐसे ही आपके अब आएंगे एमसीक्यू करके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इनको बिल्कुल तैयार कर लेना मेरे होनहार छात्रों। और यदि आप चाहते हो कि ऐसी ही पूरी तैयारी वन शॉट के द्वारा आपको मिले और सारे प्रैक्टिस सेट भी मिले, जो टॉपिक पढ़ रहे उसका प्रैक्टिस सेट आपके पास जाए और आप प्रैक्टिस करके बता सको कि ये हमने कितना सही किया है, इसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले जुड़ जाना है शुभम क्लासेज एप्लीकेशन के साथ, जहां आपको मिलता है मात्र 799 रुपए में क्रैश कोर्स 2023, वन शॉट वीडियो, 3 साल का पेपर हल सहित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और रिवीजन क्लास। तो आपका कोर्स भी कंप्लीट हो रहा है, साथ में आपको रिवीजन भी मिल रहा है। तो देर ना करें और ये मौका गवाना नहीं है। इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर इंस्टॉल करिए, सर्च करके शुभम क्लासेज एप्लीकेशन, और इंस्टॉल करने के बाद ऐप को ओपन करें और वहीं से आप क्लास 12 के होनहार छात्रों अपने बैच को परचेज कर लिए 799 रुपए पे करके। और आप यदि ऐप से पेमेंट कर रहे हो और अप्लाई कूपन में लिखते हो PIYUSHSIR या PIYUSH स्पेस देके SIR, तो 100 रुपए की छूट और आपको पड़ेगा 699 रुपए। तो देर ना करिए, मौका हाथ से जाने मत दीजिए, बोर्ड एग्जाम तक पढ़ाई करनी, एक जबरदस्त टॉपिक की तैयारी करनी है, तो क्यों ना हम आज ही जुड़े। और यदि पेमेंट करने में समस्या हो तो इस पे भी पेमेंट कर सकते हो नंबर पे, और उसका स्क्रीनशॉट इस पे व्हाट्सएप कर दो तो सारे बैच से जुड़ जाओगे। तो अब आपको डेली लाइव क्लास, हैंड राइटिंग नोट्स, स्मार्ट क्लास नोट, प्रैक्टिस सेट, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और लास्ट ईयर के पेपर। तो चलिए अब हम उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी है और चाहते हैं अगर ऐसी तैयारी हो तो अपने अपने ग्रुपों में बच्चे लाइक तो किए ही हो, शेयर करना मत भूलना, और जो भी बच्चे देख रहे हैं सोहम क्लासेज को वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। तो मैं पीयूष आर्या लेता हूं अपने सभी होनहार छात्रों से विदा, सो गुड लक।